हमारा संविधान ये सबसे ऊंचा है। संविधान के आधार पर कानून बनते हैं और कानून के आधार पर देश चलता है। संसद में बिना बहस के बिना चर्चा के कानून बनाना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। फिर वो लोकतंत्र नहीं रहता, वो तो हुकुम तंत्र बन जाता, तानाशाही बन जाती है। हमारे देश में 2011 में पूरा देश रास्ते पर उतर गया आंदोलन के लिए। जनसंसद का दबाव सरकार पर आने के बाद सरकार ने कानून बना दिया, लोकपाल लोकायुक्त कानून। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले चुनाव में आश्वासन दिए थे कि हम सत्ता में आते हैं तो लोकपाल लोकायुक्त कानून का अमल करेंगे। इसलिए लग रहा था कि अब लोकपाल लोकायुक्त कानून का अमल होगा और देश के भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोकपाल लोकायुक्त कानून का अमल ना करते हुए कानून को कमजोर करने वाला एक बिल लाया। क्या कमजोर हुआ? सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो अधिकार है, जितने अधिकारी है उनके पत्नी के नाम पर चल अचल संपत्ति है, बच्चों के नाम पर चल अचल संपत्ति है। 31 मार्च को ये सभी ने संपत्ति जाहिर करना, ऐसे कानून में प्रावधान था। नरेंद्र मोदी जी सरकार ने ये बिल लाया, धारा 44 में संशोधन किया, अधिकारों के पत्नी के नाम पर बच्चों के नाम पर जो संपत्ति का प्रावधान था उसको हटा दिया। हटाने के कारण पत्नी बच्चे इनके नाम पर संपत्ति छुपाने का रास्ता खुला कर दिया। जितने सांसद एमएलए मंत्री इनकी संपत्ति डिक्लेयर करने का प्रावधान था वो हटा दिया। विशेष तौर पर ये जो बिल लाया 27 जुलाई 2016 को लोकसभा में रखा और एक दिन में बिना चर्चा के पास हो गया। 28 जुलाई को राज्यसभा में रखा और राज्यसभा में बिना बहस बिना चर्चा के एक दिन में पास किया और 29 जुलाई को राष्ट्रपति जी के पास भेजा और एक दिन में राष्ट्रपति जी ने साइन किया। लोकपाल लोकायुक्त को कमजोर करने वाला कानून 3 दिन में और भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने वाला कानून 5 साल हो गए, कानून नहीं बनता। तो हमें लगता है कि ऐसे लोकसभा या विधानसभा में बिना चर्चा के इस प्रकार के कानून बनाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें तो ऐसा लगता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना ऐसा बोलते हैं, लेकिन इससे क्या दिखाई देता है? खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। इसलिए तय किया हमने 23 मार्च 2018 दिल्ली में बड़ा आंदोलन करना। आप आना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना ना, तो आप आना है। धन्यवाद।